हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में जाम हुए सीलिंग फैन को बिना खोले ठीक करने का आइडिया बताएंगे। तो वीडियो को आप देखते रहिए। देख सकते हो आपके सामने सीलिंग फैन है। इस सीलिंग फैन का प्रॉब्लम है कि यह सीलिंग फैन जाम है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि सीलिंग फैन बॉडी बॉडी में दो बेरिंग रहता है। एक ऊपर लगता है यहाँ पर, देख सकते हो इस जगह पर, और एक नीचे लगता है, देख सकते हो। तो ऐसा क्या करे कि नीचे की बेरिंग में भी ऑयल चला जाए और ऊपर की बेरिंग में भी ऑयल चला जाए। देख सकते हो आप, इस तरह सा वेंडिंग रहता है अंदर पर, देख सकते हो आप। इसका रनिंग है और इसका स्टार्टिंग है, आप देख सकते हो। और इस जगह पे बेरिंग लगता है, एक इधर लगता है और इसे एक नीचे लगता है, देख सकते हो इस जगह पर लगता है। तो ऐसा क्या करे कि नीचे की बेरिंग पर भी ऑयल चला जाए और ऊपर की बेरिंग पर भी ऑयल चला जाए। तो ऑयल डालने के दो तीन आइडियाज होते हैं, देख सकते हो। सबसे पहले आप अच्छे से समझो, इस जगह पर बेरिंग रहता है, देख सकते हो। तो इस जगह पर क्या करें कि ऑयल चला जाए। तो आप देख सकते हो इस जगह बेरिंग रहता है, इस जगह अंदर बेरिंग है। तो इस जगह पर ऑयल डालेंगे तो बेरिंग पर पूरा ऑयल चला जाएगा। उसके बाद एक नीचे बेरिंग रहता है, तो नीचे की बेरिंग में ऑयल डालने के लिए क्या करें, तो नीचे आप देखते हैं, देख सकते हो सीलिंग फैन बॉडी के नीचे एक छेद रहता है, देख सकते हो। देख सकते हो इस छेद पर ऑयल डालेंगे तो नीचे की बेरिंग पर भी पूरा ऑयल चला जाएगा। और ऐसा छेद हर सीलिंग फैन पर नहीं रहता है, आप देख सकते हो। इसमें कुछ ऐसा लगा रहता है, ये इसका नहीं है, इसका नहीं था, इसमें मैं खोला तो इस तरह से लगा रहता है। उसमें अंदर एक छेद रहता है, तो उसमें ना क्या है, इसमें इसे खोलना पड़ता है, इसको खोलना पड़ता है, देख सकते हो। इसे खोल देते हैं, आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हो खुल गया। इसे खोलना पड़ता है, उसके बाद एक स्क्रू लगा रहता है उसमें, इस जगह पर एक स्क्रू लगा रहता है। उस स्क्रू को खोलकर आप डाल सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबा दे, ताकि सबसे पहले आप मैं भी जो वीडियो अपलोड करूँ वो आपके पास पहुंचे।